जर्मनी के छोटे से शहर फुल्डा के अंदर हम आए हुए हैं। आपको पता है मेरी भतीजी का एडमिशन यहाँ पे कराने के लिए फ्री में उसको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकेशन करने का मौका मिला है, मगर इस सारे काम में कल हमारा अपार्टमेंट जो है उसका हमने फाइनल कर दिया था, जो कि हमें अराउंड 390 यूरोस पर मंथ में मिला है, और हमें वो 15th को यानी कि आज से कोई 8-1 दिन बाद मिल जाएगा। मगर फिलहाल हम सबसे जरूरी कागजी काम कराने आए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट वीजा होता है वो सिर्फ 3 महीने का मिलता है, उसको यहाँ आके आपको गवर्नमेंट के पास सिटी में रजिस्टर करना होता है कि आप इस शहर में आ गए हो, इस शहर में रहोगे। फिर एक कागज मिलेगा जिसके अंदर उसके इम्पोर्टेंट आईडीज बनेंगे लोकल, जैसे कि हमारे वहाँ आधार होता है उस टाइप का, वो एक बार हाथ में आ गया तो फिर हम बाकी काम आगे की शुरू कर सकते हैं। उसको फुल ऑन सेटल करने के लिए स्टूडेंट आईडी वगैरह वो ले चुकी है। भैया पार्किंग पे कर रहे हैं, बस जल्दी 20 और डाल दूं। अभी कितने मिनट का, 10 बजे तक का हो गया ना? 30 मिनट का है। और डाल दो भैया, और डाल दो, टाइम ज्यादा भी लग सकता है 10 सेंट के चक्कर में ना, यही इसलिए पैसे ज्यादा है। आप देखो ये टाइम आ रहा ना कि 10-14 तक की आपकी टिकट वैलिड है, इसको लगाओ चलें। सुबह सुबह बरसात शुरू हो गई यार। रिसेप्शन पे दिखा दिया है वो, कह रहे हैं आप बैठिए, टीवी पे आपका नंबर आ जाएगा डिस्प्ले पे, ठीक है ऑन टाइम है, ऑन टाइम ठीक है, टोकन दे दिया हमने, बढ़िया। अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी हमने, वैसे ही यूनिवर्सिटी वाले भी ये काम करा देते हैं, उन्होंने आपके लिए पहले ही रिजर्वेशन स्लॉट्स की करा के रखी होती है, मगर हमारे हाथ में क्योंकि एड्रेस पहले आ गया और हमें थोड़ा घूमने भी निकलना है इसी क्लासेस शुरू होने से पहले, तो इसीलिए हम पहले ही आ गए सिटी ऑफिस वेबसाइट में। हाँ। दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाना, बढ़िया काम। और ये जो है सिटी हॉल में होता है, जो कि पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये शहर का म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर होता है। ओके, यहाँ पे नंबर बना हुआ है, फ्लैट्स 5 पे जाना है। हेलो जी, जर्मन पोस्ट जा रही है। तो जी हुआ है मंदिर, अब बेसिकली सीन ये है कि इन्होंने कागज सारे ले लिए, एड्रेस वगैरह नोट कर लिया और ये कह दिया कि ठीक है जी, अब आप ऑफिशियली इस शहर के बाशिंदे हो गए हो, और एक जो भी एक्नॉलेजमेंट का लेटर था वो साइन करके दे दिया, मगर जो गवर्नमेंट का टैक्स आईडी है वो ये कह रहे हैं आपको मेल में आएगा, और वो टैक्स आईडी चाहिए होगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इसलिए बैंक अकाउंट अभी फिलहाल हम खोल नहीं पा रहे, तो इसलिए हम बाकी जो काम है इसको सेट करने से रिलेटेड वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, BF अमेरिका से फर्नीचर ही ले सकते हैं आप, तो फर्नीचर, और अब चलते हैं इसका सिम लेने के लिए वो ले सकते हैं, कोई एड्रेस प्रूफ आ गया है। बैंक का अकाउंट खोलने के लिए एक ऑप्शन और भी आती है जो वो मांगते हैं और रिक्वायरमेंट, वो ये भी है कि इनको जर्मनी का सिम होना जरूरी है, इंडियन सिम नहीं चलेगा। जर्मन नंबर मांग रहे हैं, जर्मन नंबर मांग रहे हैं, वो जरूरी है। ठीक है, वो भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है, तो अब वो कर लेते हैं हम पहले। भैया सिक्के लेने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह अब दूसरी जगह है, तो यहाँ भी पार्किंग तो पे करनी पड़ेगी, मगर पहले ये देख लें कि O2 है कहाँ पे। इधर ही कहीं दिखा रहे हैं, हमें बताया कि O2 ठीक कंपनी है और यहाँ भी पार्किंग तो पेड ही है भैया, सेम रेट है 30 मिनट के 50। वैसे तो अगर आप इसमें 10-20 का सिक्का भी डालो ना, तो भी उतने मिनट के ही पैसे कटते हैं उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है, कम वाले भी डाल से, मगर ये है कि पहले हम स्टोर देख लें, स्टोर है भी यहाँ पे, क्योंकि मैप पे तो दिखा रहा है इधर है, पर चेक कर लेते हैं। मम्मी ने ढेर सिक्के बना के बढ़िया रखे हुए हैं, अच्छे काम आ रहे हैं, 50 सेंट ही डाल देंगे फिलहाल, तो आधे घंटे के लिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो जी, भैया का फोन आ गया इसलिए अब इसको डालें और अपना पर्ची ले लें। ला भाई, शाबाश, ओके। टाइम लिखा हुआ था कि कब तक वो वैलिड है, ये सबसे बढ़िया फीचर लगता है मेरे को इस गाड़ी, अबे खुल जाती है अपने आप, जैसे ही पास और जैसे ही दूर जाओ लॉक हो जाएगी। ये लगा दिया इसको डैश पे, चलो भाई, क्योंकि चाबी जेब में पड़ी है ना, लो जी लग गया लॉक। शहर बहुत बढ़िया है, मैं बस जब से हम आए हैं कॉन्स्टेंटली टिप 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 बारिश हल्की फुल्की लगी रहती है, जब हट जाएगी बारिश थोड़ी सी छट जाएगी तो फिर मैं इसके ड्रोन शॉट लेके ना आपको दिखाऊंगा। मेरे को तो शहर बहुत पसंद आया, बड़े शहरों वाला ऑलमोस्ट सारा कुछ इसके अंदर है, मगर खिटपिट नहीं है, छोटे होते होते मेरे को रस्ते ही याद हो गए हैं, सारी चीजें हैं इसके अंदर। सामने बढ़िया कोवर्किंग स्पेस बनी हुई है, और ऑब्वियसली हर शहर के बीच में जो है ना एक ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट है जिसको मेन शॉपिंग स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट बोलते हैं, वो जरूर होती है। इस शहर की ये वाली लग रही है, पेडेस्ट्रियन जोन बना हुआ है, H&M, बड़ा ये ज़ारा वगैरह सारे यहीं कई ब्रांड्स हैं यूरोप के। सामने टी मोबाइल की शॉप है, और ये रहा O2 जो कि हमें अली भाई ने बताया था कि वो यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है। मैं इन दोनों के ना स्टूडेंट प्लान कंपेयर कर लेता हूँ, प्लस सेंटर ने कहा स्टूडेंट्स टूरिस्ट सिम भी ले गए हैं।
ओटू पता कर ले, सबसे सस्ता प्लान है 10 यूरो में 6 GB महीने का, मगर सिर्फ जर्मनी में चलेगा और कहीं नहीं। कॉल वगैरह अनलिमिटेड है, मेन्स जो है SMS भी अनलिमिटेड, बाकी डेटा की बात होती है। अब टी मोबाइल पे पता कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने चाहो तो वही वाला सिम आप अपना उसमें ले लो टूरिस्ट के लिए, मगर वो पूरे यूरोप में चले गए तो हमारे किसी काम का नहीं, सिर्फ जर्मनी वाला ही है। अब यहाँ पूछते हैं भैया, जो सामने ओटू वाले दे रहे हैं वो दे रहे हैं 10 यूरो में 6 GB और पर मंथ है, ठीक है, मगर वो सिर्फ जर्मनी में चलेगा। ये अगर कहीं बाहर चली जाती है इसके फोन वोन डेटा वेटा सब बंद। ये वाले दे रहे हैं 10 यूरो में 4 GB जो कि पूरे यूरोप में चलेगा, तो जर्मनी में ही है, पढ़ाई तो उसने कर ली है। एक और रह गया भैया वोडाफोन, वो भी देख लो मेरे हिसाब से आस पास ही होगा, छोटी सी मार्केट है, हाँ हाँ बेटर रहेगा। वोडाफोन साहब यार लिखा तो भैया सब में हुआ है इंक्लूडिंग यूरोप, हो सकता है इस बंदे को गलती लग गई हो भाई, चलाकी थी। पहले 4 महीने 9 गए थे, उसके बाद से 13 गए थे, और उसमें भी आप ये लगा लो कि जो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ डेटा ओनली था, तो इसमें बात बनी नहीं। तो हम अब LD जा रहे हैं सस्ता ढूंढने के लिए कि वहां कुछ मिल जाए प्रीपेड। बड़े बेकार मौसम हुआ पड़ा, बहुत ज्यादा बारिश, सारे काम जो है ना स्लो है। तो जी यहाँ भी देख ले किसी ने कहा है कि भाई LD टॉक भी एक बार चेक कर लो, ये रखे तो हूँ LD टॉक, क्या लिखा भैया इसमें दिखाना, समझ नहीं है। ये तो रिचार्ज का वाउचर है भैया, सिम नहीं है, 10 का कह रहे हैं शायद बैलेंस है, बाकी इसको ट्रांसलेट करके देखो। ये जो दिख रही है ना यहाँ पे 95 की है, पेट्रोल पंप पे 5 यूरो की पड़ी होती है, छोटी सी RV एकदम बढ़िया। चलो जी अब सारे के सारे अगले इम्पोर्टेंट टास्क पे निकल गए हैं माता जी। अब बिटिया के लिए लेनी है हमने बेड और अलमारी, क्योंकि अपार्टमेंट अनफर्निश्ड है और क्योंकि फ्रेश रेनोवेट हुआ, तो इसलिए बेड और अलमारी जैसी बेसिक चीजें हमने लेनी है। वो हमें ना वर्क स्टेशन टाइप टेबल और कुर्सी दे रहे हैं, चेयर भी कह रही है लेनी है। हाँ चेयर, हाँ चेयर लेनी है, टेबल दे रहे हैं दो, हाँ फ्रिज वगैरह तो क्या सब लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बट फिर भी अभी छोटा शहर है तो 10 मिनट के अंदर जो है हम पहुंच जाएंगे पोको करके एक स्टोर है जो कि हमें अली भाई ने बताया, जहां पे थोड़ा सस्ता फर्नीचर मिलता है। उसके अलावा भैया एक और बताया कुछ XXXL करके कुछ नाम है, एक्सपेंसिव हल्का सा बेटर क्वालिटी का जो है वो फर्नीचर। ये आ गया पोको। चलो जी इस शहर में हम कहीं भी जाएं घूम फिर के, जो यहाँ 1-1.5 किलोमीटर में एरिया है ना, सारे बड़े बड़े शोरूम सब यही है, इधर ही पहुंच जाते हैं। मम्मी जहाँ का भी GPS डालें एंड में हमें सुपरमार्केट जाना हो, खिलौने लेने जाना हो, कहीं जाना हो, यही आ जाते हैं। छोटा सा शहर है, ये साथ में सामने वाला और LD साउथ भी यही है, अरे इसके पीछे सेंट्रा क्रॉसफिट करने भी यहीं आती है इसी कॉम्प्लेक्स में। वो मेरे को कहती जिम छोड़ दे मैं घूमू फिर यहीं। जो बता रहे थे जिसमें मिलते हैं परफ्यूम वगैरह वो भी शायद यहीं, वो इसके सामने वाला प्लाजा है वो भी। अच्छा हमने वोडाफोन लेने जाना था, और सामने एक मोटर होम की डीलरशिप है, सेंट्रा कर दी है, मोटर होम मिल रहे हैं, रेट पता कराएंगे, वो भी एरिया सामने ये वाले जो बिल्डिंग है। इतना छोटा ही मत बताओ कि लोग आए ना, बोलो है देखने लायक तो है, देखने लायक सुंदर तो है, कहने का मतलब है के छोटे में सब कुछ अवेलेबल है, छोटे में सब कुछ अवेलेबल है, नियर बाय है, हाँ। और हमें हर जगह जाने में अभी भी जो हम आए मैक्सिमम 15 मिनट लगे, हाँ, मैक्सिमम, वरना सुबह भी हमारे को वहाँ पहुँचने में सेंटर में 5-7 मिनट, हाँ। सिर्फ मैक्सिमम 15-20 मिनट में हर जगह पहुँच जाता है, उससे ऊपर का काम हमारा कहीं वो रहा ही नहीं। सही बात है। वैसे भी अभी IKEA वगैरह भी हैं बड़े फर्नीचर वाले, मगर वो ना यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, मतलब फ्रैंकफर्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि यहीं से ले लो आपको सारा कुछ यहीं मिलता है, और यहाँ भी वैसे ही है पैकिंग लगभग वैसे ही होती है, 3-4 फ्लोर का यार बड़ा है, काफी बड़ा लग रहा है। हाँ बेड्स वगैरह ऊपर होंगे, वो तो गद्दे ऊपर ही पड़े हैं, कबड़े यहाँ पड़ी हुई है, महंगी है यार 17,000 रुपए की है, मैं तो चाइना फिर के आया हूँ तो मेरे को तो हर चीज महंगी लगेगी क्या, पर चलो जो भी है। 30,000 रुपए की है, 25,000 की समझ लो, 279 चाहिए भी, उसको शीशे वाली है ना, बस मैं कपड़े कहाँ टंगेंगे, ये क्या ये तो बिल्कुल ही वो है, टांगने का हिसाब ही नहीं। मम्मी आप ठीक कहते हैं महंगी है, 25-30 हजार से कम नहीं है,
इंडिया में 25,000 की मिलती है। ये तो 100 की है फिर। ये है क्या इसमें जगह ही नहीं है। तो हैंगर टांगने के लिए रॉड भी नहीं है इसमें। तो ओ पलंग आ गया जी। लग तो सही रहे। रेट देखो रेट भी सही है। रेट 199 का। ये स्टोरेज है इसमें कुछ नहीं। आजकल ऐसे ही कंसेप्ट आ गए हैं जैसे मैंने मोटर से आजकल नहीं आती स्टोरेज। हाँ वो सामने थोड़े स्टोरेज वाले भी हैं। वो एक बड़ा 179 का है। ये भी देख ले फिर गद्दे भी देख लेते हैं इनके। स्टोरेज की ना वैसे ऐसे जरूरत नहीं है। बच्चों के सूट केस होते हैं वहीं चले जाते हैं बेड के नीचे। ये बढ़िया है जी। 99 गद्दे अलग होंगे भैया। गद्दे अलग है 100% लिखा होगा गद्दों का भी। का बेसिक गद्दा 129। यार मैं ना आईकिया बिना जाए मन नहीं मानेगा भैया चीज लेने का। यहाँ से मैं बता रहा हूँ यहाँ भैया को बता रहा था कि ये पड़े ना ये ऐसे होते हैं डब्बों के अंदर घर जाके खुद जोड़ दो इनको। ये फिर भी ठीक है बेटा। 100 कितने की है? 111 की। शीशा नहीं बस इस पे लगा हुआ। वो तो ऊपर से लग जाएगा। अनब्रेकेबल वाले भी आते हैं ना प्लास्टिक के प्लेक्सी टाइप होते हैं जो कांच टूटता नहीं है वो भी इसके ऊपर भी लग सकता है। इनके रेट ठीक है। ये 55 की है। ये कितने की है? ये तो ज्यादा महंगी हो गई। जैसे बंदा हम बैठे होते वेट करते बंदा आया उसने बताया देखो जी पहले तो ये जो है ना ये 119 में ये वाला कलर नहीं है आपको 139 का ये वाला कलर मिलेगा इस साइज में। ठीक है जी। कहता फिर आपको ये दो गद्दे भी लेने पड़ेंगे। एक गद्दा जो है 139 का है तो ये गद्दे लगा लो दो। ठीक है जी। 280 के गद्दे हो गए बेड के अलावा। उसके बाद कहता फिर इसके साथ ना आपको ये भी चाहिए होगा क्योंकि सिर्फ ढांचे की कॉस्ट है। ये जो अंदर बेस है ना ये अलग खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधा नाक की सीध में आईकिया हो लेते हैं। जितना कम से कम वहाँ एक डब्बे में एक चीज तो मिलती है। पलंग है तो पूरा पलंग है गद्दा तो पूरा गद्दा है। भाई चेक करने आया पार्किंग। हमारा कितने बजे तक का टाइम था भैया? 41 का था। 44 3-4 मिनट में नहीं लगा था। ये भी बड़ा सुंदर नेबरहुड है। और रक्षिता की जो फ्रेंड है वो इस वाले बीएनबी में रहने आई है। ये स्टूडेंट अपार्टमेंट ही बने हुए हैं और 3 रूम है एक फ्लोर पे 3 या 4 आए गए और हर फ्लोर का एक कॉमन वॉशरूम है। 3rd फ्लोर तक जाते हैं। बड़ा अच्छा सुंदर नया सा बना हुआ है। इसका जो रेंट है यहाँ पे वो तकरीबन 370 के आसपास है। मगर सिचुएशन ये है कि ये तकरीबन 20 मिनट की वॉक पे है यूनिवर्सिटी से। बस वगैरह आई एम श्योर यहाँ से जाती होगी उसका मैंने चेक नहीं किया अभी तक। और हम यहाँ पे आए बेसिकली रक्षिता के बैग रखवाने के लिए क्योंकि अगले एक हफ्ते तक हम घूमने जा रहे हैं यूरोप जब तक किसी क्लासेस शुरू होती है। और अपार्टमेंट क्योंकि इसका 15th को मिलना है तो हमारे पास टाइम है तो इसलिए गाड़ी में बैग्स की जगह कम है वो यहाँ रखवा दी। हाँ जी कलरफुल घरों वाली इस गली में अब हम पहुंचे हैं अली भाई के घर डिनर करने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई आप आयो तो जाने से पहले एक बार हमारे साथ खाना ज़रूर खाना है। और हमको भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी उनकी फैमिली से मिलने की। दो छोटी छोटी इनकी बेटी हैं जो यहाँ पे पढ़ती हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को थोड़े से क्वेश्चंस भी पूछने थे साथ में ही कि भाई बच्चों की एजुकेशन क्या है यहाँ पे। जैसे क्वेबेक में होता है कि भैया फ्रेंच में मैंडेटरी है या जर्मन में मैंडेटरी है कि नहीं। कब सीखते हैं इंग्लिश कितने टाइम के अंदर और यहाँ पे फीस किस हिसाब से है गवर्नमेंट कितने पैसे देती है क्या क्या नहीं देती। तो मैंने सोचा थोड़े से ये जो क्वेश्चन है ना कि भाई जर्मनी में लिविंग एज आप लगा लीजिए एन इमिग्रेंट कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी जो जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना ये तो सारी मॉडर्न नई तरह की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं मगर ये पीछे वाली जिसका फसाड गवर्नमेंट प्रिजर्व करती है कि भाई सामने से जो है ना आप बिल्डिंग्स को चेंज नहीं कर सकते इसका स्टाइल। ये तो बीच में आपको लकड़ के वो दिख रहे हैं ना लाइनें ऐसे ऐसे ये असल में पुराने ज़माने पर बीम जो है या सपोर्ट पैसे डला करते थे जहाँ तक का ख्याल। पकौड़े सलाद उसको सैलड और पूरी। अभी जी हम सारे आए कैमरा में बाद में लेके आया हूँ कि मैं पहले परमिशन ले लूँ भी फैमिली साथ में होते हैं थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए कि भी कैमरा लाएं कि ना लाएं। बट क्या कहते हैं अभी बात सारी फुलडा की चल रही है कि कैसे छोटा शहर होते हुए सारी अच्छी चीज़ें जो है क्लीनलीनेस और वगैरह के बच्चों के लिए जो है बहुत सेफ्टी है और अगर आपकी डिसेंट जॉब हो
तो लिविंग एक्सपेंसेस बड़ी सिटीज के मुकाबले कम है, तो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी लिविंग। बट में नहीं होंगे, वाटर प्यूरिफायर थोड़ा सा है उधर, थोड़ा सा वो डालते हैं उसमें क्लोर के वो साफ हो जाए, उसकी स्मेल भी आती है। और अगर आप जैसे शावर वगैरह लेते हो तो वो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, वो इधर नहीं होता। यहाँ पे तो सीधा मेरे ख्याल से स्प्रिंग वाटर नेचुरल जो यहाँ से स्ट्रीम से आता है वही होता हो। इधर एक टैप वाटर ड्रिंक ड्रिंकेबल यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो फ्रैंकफर्ट से आते हैं। हाँ। वो तो कहते हैं एक दफा और पी लें, फिर नलके से भरते हैं, फिर एक दूसरे को भी देते हैं, फिर जाते हैं। बड़े शहर में क्लोरीन थोड़ा ज्यादा डालते होंगे ना। हाय बहुत मेहनत करी है ना, मैं नाम नहीं पूछा, मरियम माय अकरा बड़ा अच्छा नाम है। बड़ी प्लेट कटी आई, शाबाश किनवा सल्ट भी लिया आपने। यार भाभी जी ने बहुत टाइम लगाया लगता है किचन में। सर ये बच्चों की जो एजुकेशन यहाँ पे भी पब्लिक स्कूल फ्री होते हैं या जी पब्लिक स्कूल फ्री या यूनिवर्सिटी फ्री है? यार तो वो भी इंटरनेशनल लोगों के लिए तो अपने बच्चों को फ्री होंगे। मैंने अभी जैसे मेरी बेटी को ट्राई किया था प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए सिर्फ इंग्लिश की वजह से, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट क्लास से शुरू होती है प्राइवेट स्कूल में। और पब्लिक स्कूल में? पब्लिक स्कूल में फिफ्थ के बाद। ओके ओके जो हमारा ये है प्रोविंसेस में। तो फिर आपका कैसा हो रहा? फिर जब मुझे एक्सपीरियंस वहाँ से अच्छा, वो उनसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फीस ले रहे थे वो सिर्फ इस काम की कि वो फर्स्ट क्लास इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, लेकिन अच्छा। उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी जो हमारे सिटी में, छोटा सिटी है, एक ही प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, 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 तो और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमने उसको अब उसमें डाला है पब्लिक स्कूल में। ओके। और पब्लिक स्कूल में जो आजकल चीजें वो करवा रहे हैं बच्चों को वो जबरदस्त है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं कराता। अच्छा ओके सही। अरे भाभी जी ये क्या है? ये खाना मतलब खीर खीर खाओ, बड़ी कमजोरी बट एक्सप्लोइट नहीं करनी। यार बच्चे कहते हैं हमारे यहाँ पे गाड़ी है जो दीवार पे चढ़ जाती है, मैंने कहा ऐसी कौन सी गाड़ी है, बहुत ही चढ़ गई, मैं ड्रोन टाइप पावर क्राफ्ट लगा हुआ है उससे नीचे जमीन पे है, जमीन पे है, जमीन पे है, यार अभी हम बच्चों का खेला थे नेल पॉलिश लगाने के लिए, मैंने कहा मेरे को भी लगा दो, एक लग गई है बट अभी करते हैं इसके ऊपर स्टिकर लगेगा।